बेटियों को लेकर जहां सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ बेटियों को मारने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, चाहे वह दहेज के रूप में, हैवानियत के रूप में या फिर जन्म के पहले गर्भ में ही मारने का हो। ताजा मामला देहात की चिलवरिया चौकी अंतर्गत खेरिया शरीफ के पास है, जहां सड़क किनारे गन्ने के खेत में ग्रामीणों ने एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में बेबी टॉवल में लिपटी हुई बच्ची को देखा, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने टॉवल में लिपटे हुए बच्चे को देखा तो पाया कि बच्चे की मृत्यु हो चुकी है। नवजात का शव मिलने से जहां पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई, वहीं लोगों का कहना है कि सरकार के काफी सख्त निर्देश के बावजूद भी जिले अस्पताल व नर्सिंग होमों में भ्रूण हत्या का खेल बस्तुरी जा रहा है। आपको बता दें, जिस नर्सिंग होम में टॉवल से नवजात को लिपटा पाया गया था, उसकी संचालिका भी एक महिला वर्तमान सरकार की पार्टी में महिला संगठन अनूठी है। आप देखना यह होगा कि पुलिस की जांच कहां से शुरू होती है।